सो गाइस ओल्ड फ्री फायर अभी के टाइम पर पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ओल्ड फ्री फायर के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा हमारी फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर। अरे बस कर भाई, पागल कर दिया, पीछा छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या सच में ही OB39 अपडेट के बाद यानी कि 22 मार्च को हमारी ओल्ड फ्री फायर सच में वापस आ जाएगी? जैसे हम लोग गेम खेलेंगे वैसे हमारी फ्री फायर बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, 2017 जैसी हो जाएगी? भाई मुंह की बात छील ली। तो इसी चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सच में फ्री फायर बिल्कुल पहले जैसा वापस हमें देखने को मिल सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, एंड कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे। क्या बात है। सो इसीलिए गाइस सर ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये वीडियो मिस की तो बहुत कुछ मिस करोगे, वीडियो पूरी देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सारी चीज स्टार्ट कहाँ से हुई। आप सभी को पता है फ्री फायर ने एक सर्वे दिया था जिसके अंदर उन लोगों ने सारी ओल्ड आइटम्स को मेंशन किया था, एंड वहां पर उन लोगों ने आप लोगों से फीडबैक मांगा था कि कौन सी ओल्ड आइटम आप लोगों को वापस चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। लेकिन इस सर्वे के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी वापस आना पॉसिबल नहीं है, एंड अगर आएंगी भी तो एक साथ नहीं आ सकती। मगर क्यों? क्योंकि कई सात लोगों को भी पता है कि एक गेम को बनाने में उसे डेवलप करने में कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है, एंड हर गेम का मालिक यही चाहता है कि उसकी गेम टाइम टू टाइम इम्प्रूव हो और ज्यादा अच्छी हो। उसको यार वापस पहले जैसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड अगर उसे पहले जैसा किया भी जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक ही अपडेट के अंदर सारी चीजें होना पॉसिबल नहीं है। एंड रही बात यहाँ पर ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स तो आप लोग भूल जाओ कि आपको बिल्कुल पहले जैसे देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी हमारी गेम के जो ग्राफिक्स है मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, एंड बैटल रॉयल जैसी गेम्स में जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है ग्राफिक्स सबसे ज्यादा बेटर रखते हैं प्लेयर्स के लिए। आप लोग खुद जानते होंगे जब फ्री फायर के ग्राफिक्स अच्छे नहीं होते थे तो प्लेयर्स हमेशा यही डिमांड करते थे कि इसके ग्राफिक अच्छे करो, कार्टून जैसे ग्राफिक है, बाकी गेम्स के ग्राफिक कितने अच्छे हैं। अब जब ग्राफिक अच्छे हो गए हैं तो प्लेयर्स डिमांड कर रहे हैं कि पहले जैसे कर दो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है गाइस। आप लोग खुद सोच कर देखो कि अगर हमारी गेम के ग्राफिक्स आज के आज ही 2017 जैसे हो जाएंगे, जैसा बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो वैसे हो जाएंगे, तो आप लोग कितने दिन इसको अच्छे से खेल पाओगे? मतलब आप लोग एक दो दिन खेलकर खुद ही बोर हो जाओगे, खुद ही आपको लगेगा कि यार पहले वाले ही अच्छे थे। बिकॉज सर आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि जो टाइम बीत जाता है उसको वापस लाना पॉसिबल नहीं होता। इनको देखकर आप लोगों के आंखों में आंसू आ रहे होंगे, मेरे को पता है बैकग्राउंड में जो क्लिप चल रही है इसको देखने के बाद मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन यार ये सिर्फ अब हमारी यादें हैं, ये बिल्कुल पहले जैसी दोबारा नहीं हो सकती, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बस क्या? So guys, ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि आप लोगों के लिए सब कुछ 100% पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसा 100% करना पॉसिबल नहीं है। ग्राफिक्स और टाइम के साथ आपको और भी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार आज के टाइम पर हर कोई यही चाहता है कि कम MB के अंदर अच्छे ग्राफिक वाली गेम हो, और हमारी फ्री फायर आई थिंक उस हिसाब से बेस्ट गेम है। तो इसलिए ग्राफिक में तो चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, वो चीज अपने माइंड से निकाल दो। जो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो ये है कि पहले जैसी लोबीज आती थी वो आप लोगों को रिटर्न दे सकती है गरीना, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो पहले के जो स्पॉन आइलैंड होते थे जहां पर सभी प्लेयर इकट्ठे रहते हैं, वो यार कितने क्रिएटिव टाइप के आते थे, अलग अलग मतलब उसमें इवेंट्स के हिसाब से उसमें डेकोरेशन होती थी, कहीं पर यार कोई अलग चीज देखने को मिलती थी, कहीं ट्रेन देखने को मिलती थी, कहीं फुटबॉल बन जाते थे, एंड उस टाइम सीजन्स के हिसाब से भी हमारे मैप वगैरह स्पोन आइलैंड वगैरह को डेकोरेट किया जाता था। जैसे कि विंटर का सीजन है तो स्नो वगैरह मैप्स पे गिराई जाती थी, एंड जो स्पोन आइलैंड है वो भी स्नो वाला देखने को मिलता था, समर के टाइम पर समर वाला देखने को मिलता था। वो चीज सबसे ज्यादा मिस करती हूँ मैं, एंड वो चीजें आप लोगों को वापस देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी के टाइम पर जितनी भी लॉबीज वगैरह आती है ना ही क्रिएटिव देखने को मिलती है ना ही उनमें कोई एक्टिविटी होती है करने वाली, तो वो सब चीजें गरीना वापस दे सकती है। लेकिन यहाँ पर ये उम्मीद मत रखना कि बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पहला था वैसा ही वापस आएगा, आएगा भी तो थोड़ा बहुत तो चेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? आप लोग समझ रहे हो ना ये चीज? समझ में आ रहा है। एंड सबसे बड़ा फैक्ट मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि अभी के टाइम पर आप लोगों के स्कूल खुल चुके हैं, सबके कॉलेजेस खुल चुके हैं, कोई जॉब करने लगा है, कोई कुछ करने लगा है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। लेकिन पहले के टाइम पर जब लॉकडाउन लग गया था 2020 में, लॉकडाउन के टाइम यार सभी लोग फ्री थे, सभी के पास कोई काम ही नहीं था, सब फ्री फायर ही खेलते थे गेम में, बच्चे से लेकर बड़े तक भी फ्री फायर ही खेलते थे। ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन में गेम ज्वाइन किया है, मैंने खुद लॉकडाउन के टाइम पर ही गेम खेलना स्टार्ट किया था 2020 में, यार वो वाली चीज तो मुझे नहीं लगता वापस आ सकती है, बिकॉज अभी के टाइम पर सभी लोग यार अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, काफी लोग यार अपने जॉब और कॉलेज वगैरह की वजह से गेम भी क्विट कर चुके हैं, जिस वजह से काफी लोगों के फ्रेंड्स बिछड़ गए हैं, उस वजह से उनको भी गेम खेलने में कम मजा आता है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है? एंड इसके अलावा बात करें कौन सी चीजें रिटर्न देखने को मिल सकती है जो पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक, जो लोबी का पुराना बैकग्राउंड म्यूजिक था, आप लोग सुनो ये वाला।
सो ये वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जिससे बहुत सारी यारी आपकी जुड़ी होंगी, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसको रिटर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में ग्लाइडर वगैरह आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो आता है हमारे इवेंट्स का, क्योंकि हमारी गेम में पहले जैसे इवेंट्स नहीं आते हैं। पहले के जो इवेंट्स होते थे उनमें मेहनत करनी पड़ती थी, पहले के इवेंट्स क्रिएटिव होते थे, उन्हें कंप्लीट करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती थी और दिमाग भी लगाना पड़ता था। लेकिन अभी के इवेंट्स का कॉन्सेप्ट सेम ही चलता है, टोकन कलेक्ट करो रिवॉर्ड्स ले लो, टोकन कलेक्ट करो रिवॉर्ड्स ले लो, कुछ नया देखने को मिलता ही नहीं है। बात तो सही है। सो पहले जैसे ओल्ड इवेंट्स आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, भले ही वो फ्री वाले हो या फिर पेड वाले हो, क्योंकि पहले के पेड इवेंट्स भी अच्छे होते थे अभी के मुकाबले। अभी तो पेड इवेंट्स सारे लूटने वाले ही आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें वापस आ सकती हैं। साथ ही साथ हमारा जो कलाहारी मैप वगैरह है वो आप लोगों को रैंक में दोबारा देखने को मिल सकता है। एंड रही बात यहाँ पर हमारे ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड की, तो इसका गाइस 50-50 है, ये वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर बहुत ज्यादा फीडबैक गए होंगे तो गरीना वापस कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, कुछ कंफर्म इसके बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट गाइस यही है, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊं कि हर चीज एक साथ एकदम नहीं हो सकती, हर चीज को करने के लिए टाइम लगता है। अगर कोई चीज बिगड़ी है तो उसको सुधारने में टाइम भी लगेगा। अगर आपको कुछ चीजें पुरानी देखने को मिलेंगी तो कुछ चीजें आपको नई भी देखने को मिलेंगी, एंड एक ही अपडेट के अंदर सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। ऐसा मत सोच के बैठना माइंड में कि 22 मार्च को जैसे गेम ओपन करोगे तो बिल्कुल 2017 वाली या 2020 वाली गेम मिल जाएगी, वैसा भी नहीं होने वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड इसके अलावा गाइस एक जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप लोग बीता हुआ वक्त भी वापस नहीं ला सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल 2017 जैसा गेम हो जाए या फिर जैसा बैकग्राउंड में चल रहा है ऐसा गेम वापस आ जाए, तो वो भी वापस आना पॉसिबल नहीं है। सेम टू सेम चीज पहले जैसी वापस नहीं आ सकती कभी भी। हाँ, उसकी जैसी चीजें वापस जरूर आ सकती है, हो सकता है कि लो भी इसी तरह की आए, कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो चीजों में चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेन का जो ग्राफिक है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है, चीजों के जो डिजाइन वगैरह है वो भी आपको थोड़े डिफरेंट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट भले ही पुराना होगा लेकिन डिफरेंट तो थोड़ा देखने को मिलेगा ही, बिकॉज 100% पहले जैसी चीज वापस नहीं आ सकती है कभी भी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ आपकी स्कूल लाइफ, अगर आप लोग अभी स्कूल में हो तो भी आप लोग रिलेट कर पाओगे, जिन लोगों ने स्कूल पास आउट कर लिया है वो तो अच्छे से रिलेट करेंगे। हम सभी को अपनी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, भले स्कूल में रहते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब स्कूल छूट जाता है ना गाइस सब बहुत ज्यादा याद आती है। मैं खुद अपना स्कूल बहुत मिस करती हूँ, काश हम अपने स्कूल में वापस जा पाते, फिर से स्कूल जा पाते। लेकिन क्या एक बार स्कूल छूटने के बाद, मतलब 12th पास करने के बाद दोबारा आप लोग स्कूल जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो सेम वैसा ही गेम के साथ भी है, जो चीज बीत चुकी है वो सेम टू सेम दोबारा पहले जैसी वापस नहीं आ सकती, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ही वापस आएगी, अगर आएगी भी तो, ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। जिस हिसाब से यार हाइप बन चुकी है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की उम्मीदें टूट जाए, इसलिए मैंने पहली चीजें क्लियर कर दी। मैं मानती हूँ मैंने भी खुद इस टॉपिक पर 3 वीडियो डाले हैं, क्योंकि यार देखो कंटेंट की कमी सभी को थी, एंड करीना ने सर्वे की वजह से कंटेंट दे दिया। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि यार कंटेंट के लिए हम लोग कुछ भी बताते रहे एंड वो चीज ना आए तो आप लोग को भी बुरा लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एंड बाकी गाइस आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं आए हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पर पहले हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंटरटेनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।